मयूर आडेसरा जेम्सन ज्वेलरी एसोसिएशन राजकोट प्रेसिडेंट थी चौक्स थी राजकोट छे सोनी बजार ए विश्व विख्यात छे। अहीं काम करता कारीगरों की संख्या पण बहोळी संख्यामां होय। आ पहेला पण भूतकाळमां पण ज्यारे आवो बनाव बनेल हतो त्यारे पण अमारे एसोसिएशन द्वारा तथा बंगाली एसोसिएशन द्वारा पण जे ते सोनी बजारनी नजीकना लागु पड़ता पोलीस स्टेशनमां पण मोटा भागना कारीगरों पोताना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जमा करावेल छे। छता जे कोई नवा कारीगरों आया हो अथवा जे पोताना देशगीर अथवा नवा कारीगरों आया हो ते तमाम गुजराती तथा बंगाळी भाईओ ने हूँ नम्र आपना माध्यम से विनंती करूँ छूँ कि आपने ते काम करता कारीगरों रजिस्ट्रेशन नजीकना पोलीस स्टेशन में जरूर थी जमा करावा जो ये अपनी राजकोट अपना भारत देश की सुरक्षा माटे प्रश्न है। तेती आप जागृत थी अने आप अपना कारीगरों रजिस्ट्रेशन चौक्स थी नजीकना पोलीस स्टेशन में जमा कराशो। जी रजिस्ट्रेशन लेवानु एकमात्र कारण एवं हो भाई जे कायदो है कि तमारे ते काम करता कारीगरों गुजरात बहारना हो तो रजिस्ट्रेशन जे ते नजीकना पोलीस स्टेशन में जमा करावानो आ कायदो छे ज ऑलरेडी। अने भूतकाळमां आपणे जोईए त्यारे भूतकाळमां राजकोटनी सोनी बजारमांथी बे आतंकवादीओ पकड़ाणा हता तेने ध्यानमां लई अने हाल जे आपणे बांग्लादेशनुं अने आ जे तोफान चाली रह्युं छे तेने ध्यानमां लईने आपणे वधु अवेरनेस लावी आपणे आपणा देश माटे जागृत થઈને રજિસ્ટ્રેશન જમા કરાવવું જરૂરી છે। જી આલોકનાથ મધુસૂદન સાવ જી પ્રશ્ન ઉનકા થા क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ये गलत है कि रजिस्टर नहीं हो रहा है। हमने बताया रजिस्टर पिछले साल से हजारों हजारों हो रहा है, लेकिन अभी उन्होंने जागा कि ऑनलाइन करो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन एक बार हो गया है अगर जमा कर दिया है तो फिर दोबारा करने का क्या ज़रूरत है। तो साहब ने कहा नहीं वो तो चलेगा, लेकिन जो ये जो स्वाभाविक बात है जो सरकार समाज में कार्यकर स्थायी होते नहीं है, वास्तविक जो बात है आज इधर काल उधर उन्हें यहाँ पोसाता है वो चला जाता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ये कह रहे थे वो, हमें भी मालूम है। हम एसोसिएशन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन हजारों लोग हैं सबका जिम्मेदारी हमारा ऊपर नहीं है। और नॉन गुजराती नॉन बंगाली जो है जो गुजराती व्यापारी के पास काम करते हैं खुद आपने काम करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन उनका ऊपर जिम्मेदारी होता है, लेकिन हमने समय लिया है और बोला है कि आप समय दीजिए ये प्रक्रिया चल ही रहा है। और दूसरी बात है ऑनलाइन में पूरा इंग्लिश में आता है और कठिन है सख्त है, इसलिए ऑफलाइन भी चालू रखा जाए और दूसरी बात है इसके लिए समय दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप कैंप बैठाइए हम जरूर भेजेंगे आएंगे उससे जो भी खर्च लगे हम दे सकते हैं, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है हम करेंगे सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह से डराना या ये एक मुहिम चलाना अभी करना है पैसा लेना ऐसा होगा तो ये गलत बात है, यही हमने बताया। उस बार हमने हजारों करवा दिया है, हजारों हजारों हो गया है जमा करवा दिया है, लेकिन जब नया नया आते हैं तो उन्हें भी समय देना पड़ेगा और लेकिन करना चाहिए ये हमें तकलीफ नहीं है। जो किया जवाब दिया तो क्या रिप्लाई किया है? नहीं नहीं वो सही बात है, आप जल्द से जल्द करवाइए और हम इधर नया ऑफिस दीवानपुरा में भी हमने बैठा है तो उधर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे जैसे जल्दी हो। एसोसिएशन में कितने आदमी हैं आपके साथ? देखिए एसोसिएशन ये अलग अलग है, हम सबसे पुराना है रजिस्टर है, लेकिन एसोसिएशन अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इसमें खाली 10% लोग ही है जो एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं क्योंकि अनएजुकेटेड होते हैं और उनका भरोसा नहीं होता है इसलिए खुद नहीं जोड़ते। इसलिए दुकान वालों को चाहिए कि वो जब वो किसी भी तरह एसोसिएशन से जुड़ जाए और उनका कार्यकर्ता में वो कंट्रोल रखे, ये एक सॉल्यूशन है इनका, लेकिन इसके लिए समय चाहिए और यह कोई कहीं भी नहीं है खाली राजकोट में ऐसा चल रहा है। आपको कितना समय दिया है अभी तक? देखिए ये पक्का समय ऐसा कुछ नहीं है लेकिन 15 दिन तक मैंने बोला है, आप देखिए 15 दिन तो और बहुत ज़्यादा हो जाएगा।